भारतवासियों ने एक ऐसी सरकार को देखा है जो सरकार भारत के अंदर भारत की भावना के अनुरूप भारत के नागरिकों की सम्मान की रक्षा करते हुए उनकी सुरक्षा करते हुए उनकी समृद्धि के लिए और राष्ट्रीय स्वाभिमान को 36-56 इंच चौड़ा करते हुए दुनिया के सामने भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य कर रही है। यह काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। वैश्विक मंच पर बड़ी हुई प्रतिष्ठा हो चाहे सुरक्षित सीमाएं हो, देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का हो, भारत की परंपरागत परंपरा और संस्कृति में पूछना चाहता हूं कांग्रेस को देश के अंदर 60 वर्ष तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, क्यों नहीं इन्होंने काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर दिया? मोदी जी तो पिछले 2 बार से ही काशी से सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस को तो 60 वर्ष लगे थे और 60 वर्ष तक उनका प्रतिनिधित्व काशी से था, क्यों नहीं उन्होंने अपना प्रतिनिधि और क्यों नहीं कांग्रेस की सरकारों ने, केंद्र और राज्य सरकारों ने काशी के बारे में सोचा? क्यों नहीं उन्होंने मथुरा वृंदावन के बारे में सोचा? आखिर सपा बसपा कांग्रेस इन सभी को आपने अवसर दिया था यहां पे नगर निगम बनाने का काम हो या भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, यहां पे मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल बलदेव गोवर्धन नंदगांव इन सभी क्षेत्रों को तीर्थ स्थल घोषित करने का कार्य था, यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां पर ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां की भावनाओं के अनुरूप यहां का विकास हो, जब यहां की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी थी तब उनके सुझाव पर हम लोगों ने यह तीर्थ स्थल घोषित करते हुए और फिर यहां के समग्र विकास की एक रूपरेखा तैयार करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज आप देख रहे होंगे, आज तो देख रहे होंगे इन सभी तीर्थों में विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे मामले हैं जहां न्यायालय में मामले लंबित हैं, उन कारणों से हमें थोड़ा रुकना पड़ता है और हम तो ये मान के चलते हैं कि अंततः हमारी जीत होनी है। हमने अयोध्या के लिए 500 वर्षों का इंतजार किया लेकिन संघर्ष से कभी पीछे हटे नहीं,